Now coming to the next question, which is question number 5, pick the correct answer. So, यहाँ पे आपको options दे रखे हैं, आपको उनमें से correct answer choose करना है. The first one is, in cockroaches, air enters the body through. Cockroaches में air कैसे enter करती है? Through lungs, gills, spiracles or skin. So, the correct answer is spiracles. When we have, during heavy exercise, we get cramps in the legs due to accumulation of carbon dioxide, lactic acid, alcohol, और वॉटर. सो एक्सरसाइज करते हुए जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं तो एज अ रिजल्ट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसी के एक्युमुलेशन से हमें क्रैम्प्स फील होते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज. सो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 9 to 12, 15 to 18, 21 to 24 और 30 to 33. सो द करेक्ट वन इज 15 to 18, मतलब इसके बीच में एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स मूव आउटवर्ड, मूव डाउनवर्ड, मूव अपवर्ड, डू नॉट मूव एट ऑल. सो जब हम एक्सहेल करते हैं, इनहेल मींस जब हम एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं, एक्सहेल मींस जब एयर को हम बाहर छोड़ते हैं. सो जब हम बाहर छोड़ते हैं, हमने कैसे पढ़ा था इसको कि जब इनहेल करते हैं तो रिब्स क्या करते हैं, लंग्स को सराउंड करेगा, तो रिब्स क्या कहाँ पे मूव होती है? अपवर्ड मूव होती है, हम कह सकते हैं आउटवर्ड मूव होती है. सो जब हम एक्सहेल करेंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, मींस वो अप डाउनवर्ड मूव करेगा. करेक्ट. सो ये हमारे पास चार थे जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह टिक करना था. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.